हाँ जी गाइस, तो शाम के टाइम चाय नाश्ता जो होता है वो सारा कुछ हो गया और भुजड़ू खा के आए थे वैसे तो, फिर चाय पी उसके बाद, और उसके बाद ना थोड़ी थोड़ी छुटपुट बूंदाबांदी हुई लेकिन नीचे ज़मीन भी गिल्ली नहीं हुई, मतलब ऐसी हुई थोड़ी सी। और अभी सार्थक है मेरे पास, अकेली हूँ मैं अभी इसके साथ यहाँ पर, तो काम करने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर लगाई है मैंने, अभी गैस पर ही लगा दिए, चूल्हा नहीं जलाया है अभी, गैस पर लगा दी मैंने, सब्जी लगा दी है फ्राई करने को, तो अंदर ही आ जाती हूँ यहाँ से। तो सुबह बनाए थे हमने आलू राजमा, थोड़े ज़्यादा ही बना दिए थे, तो मैं इसको अच्छे से फ्राई कर दूँगी, शाम के लिए भी हो जाएंगे ये, चावल बनाऊँगी और बस रोटी बनाऊँगी साथ में। और अभी मुझे जाना है कौशल, सार्थक को ना साथ ही ले जाना पड़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पे कोई है ही नहीं बच्चा भी इसको देखने वाला। तो चलिए मैं ये कर लेती हूँ यहाँ पे और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। गाइस, सब्जी जो है वो मैंने अच्छे से कर दी है, तड़क दी, और अभी मुझे जाना है कौशेड में, होबरे का काम करना है। उससे पहले मैंने सोचा कि एक मेरा ना काफ़ी दिनों से काम रुका हुआ था, मैंने सोचा कि चलिए आज वो कर लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ये देख रहे होंगे आप ये क्या है, तो मेरे ख्याल से सभी समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो ये है ऊन, हम जो स्वेटर वगैरह पहनते हैं ना, तो कई बार होता है ना जैसे कोई पुराना हो जाता है स्वेटर तो उसको उधेड़ देते हैं हम और दोबारा से सोचते हैं कि इसको दोबारा से बनाएंगे, लेकिन जो ऊन है ना वो इस तरह से हो जाती है। और इसमें ना फिर जब हम दोबारा बनाते हैं ना उस स्वेटर को, तो उतनी ज़्यादा सफाई नहीं आती है उसमें। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी जिसके द्वारा जो ये पुरानी ऊन है ना, ये बिल्कुल नई की तरह हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि ये बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी, और वो भी सिर्फ 2 मिनट में। तो कोई बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है हमें, इसके लिए हमें ज़रूरत है सिर्फ इसकी। तो देखिए, इससे मैं इस ऊन को बिल्कुल नया जैसा बना दूंगी अभी और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी मेरी लेडीज़ वगैरह जो भी माताएं बहनें हैं वो काफ़ी मतलब बुनते तो सभी हैं, और स्वेटर क्योंकि सर्दी आती है तो स्वेटर सभी पहनते हैं और बुनते भी, शायद मुझे लगता है कि शायद कईयों को पता भी होगा या हो सकता है सभी को पता हो कि किस तरह से इसको किया जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको बॉयल करने वाली हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा आप और ऐसी छोड़ मत दीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और ये जो ऊन है बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। तो चलिए, ये सारा काम होगा किचन के अंदर, तो चलते हैं हम किचन के अंदर और देखते हैं कि कैसे होगा ये। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने क्या किया था ना, जो सब्जी है उसको यहाँ पे देखिए तड़क दिया, आलू राजमा है, देखिए ये बहुत अच्छे से इसमें उबाली जो है वो आने लगी है। तो ये कड़छी जो है ना, ये कड़छी जो है इसको मैं निकाल दूँगी और यहाँ पे रख दूँगी मैं इसको, ये जो है जाली, ठीक है, ये देखिए इस तरह से रख दिया। और अब बारी आती है, ये हमारी जो ऊन है इसकी बारी आएगी। ये देखिए, ये रख दी मैंने इसमें, देखिए इस तरह से रख दी है, ठीक है। और अभी आप देखेंगे क्या मैजिक होने वाला है, अभी आप देखते जाइए कैसे मैजिक होने वाला है इसमें। और जैसे जैसे इसमें से भाप फूटता जाएगा ना, वैसे वैसे इसमें मैजिक होगा। तो आप बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको दिखाऊँगी। अभी देखिए कैसे मैजिक होने वाला है इसमें अभी। तो ये देखिए गाइस, थोड़ी थोड़ी जो भाप बन रही है ना, हमारी सब्जी बॉयल हो रही है नीचे और साथ में हम जो ये ऊन है इसको भी सीधा करने का काम कर रहे हैं, तो दोनों हमारे काम एक साथ हो रहे हैं, गैस और टाइम दोनों की बचत हो रही है। तो जैसे जैसे ये भाप जो है ये ऊन से क्रॉस होगी, वैसे वैसे देखिए कैसे मैजिकली जो हमारी ये ऊन है, पुरानी ऊन है, ये नए में कन्वर्ट होती जाएगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और सिर्फ यही नहीं है, वीडियो में आगे और भी बहुत कुछ है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जब इसमें काफ़ी अच्छे से भाप आ गया था ना, तो ये देखिए इस तरह से हो गई थी हमारी ये ऊन, क्योंकि जो भाप होती है ना वो ऊन के रेशे रेशे जो होते हैं ना उन्हें बिल्कुल खोल देती है। और ये हमारी जो ऊन देखिए पहले कैसे सिकुड़ी हुई थी, ये बिल्कुल सीधी हो गई है। थोड़ी देर में और रखूँगी इसको तो अच्छे से हो जाएगी और अच्छे से ज़्यादा। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है और हमेशा वर्क करती है, और मैं हमेशा यूज़ करती हूँ इस तरह से। जो पुरानी ऊन हो जाती है ना उसको पहले धो लेंगे ना हम, जैसे स्वेटर उधेड़ी और फिर इसकी इस तरह से गुच्छियाँ बनाएंगे और फिर इसको धोएंगे। धोने के बाद इसको दोबारा से यहाँ पे देखिए स्टीम देनी है, तो जैसे इसमें स्टीम देंगे हम तो ये ऊन जो है वो सीधी हो जाती है, बहुत ही अच्छी नई हो जाती है बिल्कुल। तो बहुत ही ईजिली आप
ये काम कर सकते हो। देखिए मैं आपको लाइव करके दिखा रही हूँ, और ऐसा नहीं है मैंने कि डाला कुछ और निकाला कुछ और, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने ही आपको करके दिखा रही हूँ, और अभी जो वाइट वाली है ना उसको भी करके दिखाऊंगी। ये देखिए जैसे बाज़ार से होती है ना हमने लाई हुई, बिल्कुल वैसी होगी ये। अब ये देखिए इसके रवे जो है ना वो सारे खुल जाते हैं। कहाँ पे ये देखिए इस तरह से थी, और कहाँ पे ये देखिए बिल्कुल सीधी हो गई है। ये देखिए तो ये वाली जो है इसको भी मैं सीधी कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये जो वाइट वाली है ना वो भी डाल दी है। अच्छे से इसमें ना भाफ लग जानी चाहिए, बस जब इसमें भाफ अच्छे से लग जाएगी तो ये जो है बिल्कुल ऊन हमारी नई जैसी हो जाएगी। तो ये देखिए आप, और कोई अलग से गैस हम इसके लिए बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ये बस हमारी सब्जी भी हो रही है साथ साथ यहाँ पे साइड बाय साइड। इसको आपको ना ऊन को इस तरह से गुच्छी बना के रखना पड़ेगा जो हम उधेड़ेंगे। ये देखिए आप देख रहे होंगे बिल्कुल नई होगी ये ऊन, इसको कोई बोल ही नहीं सकता कि आपने ये उधेड़ी हुई है, बिल्कुल नई हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल नए की तरह होगी है, बहुत ही बेस्ट तरीका है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है ये, और कहाँ उबालने के इतने झंझट में पड़ेंगे, और इसमें बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल नई की तरह हो गई है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और जो साथ में आता है ना सब्सक्राइब के साथ घंटी का आइकन आता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँ ना तो आपको ना उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप कर सकें तो मेरी वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। तो ये वाली भी हो गई है बिल्कुल सीधी, ये देखिए। ये देखिए ये भी बिल्कुल नई जैसी हो गई है, ये देखिए बिल्कुल नई जैसी, जैसे हम बाज़ार से लाते हैं ना जब गुच्छियाँ, तो बिल्कुल ऐसी ही होती है। ये देखिए ये देख सकते हैं आप, और बस इसके गोले बना के रख लेंगे, और उसके बाद जब भी मन करे आप इससे स्वेटर बनाइए, बिल्कुल नए जैसा लगेगा आपका स्वेटर, लगेगा ही नहीं कि आपने पुरानी ऊन का बनाया है। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को गाइस। और मैंने ना एक ऑलरेडी बनाया हुआ है ऐसे ही पुरानी ऊन से, तो उसको ना कोई देख के बोल ही नहीं सकता है कि ये पुरानी ऊन का बनाया हुआ है। और देखिए हमारी जो ऊन है कितने अच्छे से देखिए सीधी हो चुकी है, ये देखिए रेड वाली भी, ये देखिए जैसे बाज़ार से आती है ना जब गुच्छियाँ, तो बिल्कुल ऐसी होती हैं। तो ये देख सकते हैं आप, पहले मैंने आपको दिखाई थी तो कैसी थी। तो गाइज़ आई होप कि ये ट्रिक जो है आपको अच्छी लगी हो, और यहाँ पे टांग दिए मैंने अभी ये, और इसका मैं गोले बना दूँगी शाम को। अभी मुझे जाना है काउशेड को, तो काउशेड का काम है बहुत सारा। और हाँ जी गाइज़, तो 6:30 हो चुके हैं, और आज मौसम ना देखिए बादल बादल है, तो थोड़ा ना अंधेरा ज़्यादा दिखेगा आपको। और अभी जाना है मुझे वहाँ, देखिए नीचे दिख रही है आपको, ये देखिए हमने ना बच्ची बांधी हुई है यहाँ पर चुगने के लिए। तो यहाँ जो ये हमारे घर के आसपास है ना, ये सारा हमारा ही है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं ना, घास हो जाता है ना जैसे इसमें, तो हम जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो गाय के, उनको बांध देते चुगने के लिए। एक यहाँ बांधी है और दो उधर बांधी है, तो इसको मैं लेके आती हूँ, और चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ थोड़ा सा। आज ना कोई भी कैमरामैन नहीं है, ट्राइपॉड में फ़ोन लगाया था, लेकिन आजा आजा बच्ची। और मुझसे ना किसी ने पूछा था कि आप एक वीडियो बनाइए कि आपके पास कौन कौन सी गाय, कौन कौन सी ब्रीड की है गाय, और ये ना अब आई लगी है, ये सोच रही कि मैं नहीं चुकना है इसको, यहीं बांध देती हूँ अभी मैं, और तो यहीं पे मुँह के पास है ना ये, तो
तो ये जो है ना, ये जो हॉस्टन होती है ना, हॉस्टन है, और इसकी जो माँ थी वो भी हॉस्टन थी, और इसकी जो नानी थी वो तो बिल्कुल प्योर हॉस्टन थी। तो वो हमने, इसकी जो नानी थी ना वो ख़रीदी थी हमने, और फिर उसके बाद इसकी माँ हुई थी। और अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमारी एक गाय मरी है, तो वही इसकी जो माँ थी वो मर गई बेचारी। वो हमारे जैसे ये पक्का है ना अंदर, ओबरा जो है काउशेड पक्का है, तो वहाँ से वो फिसली और फिर उसमें खड़ी नहीं हो सकी। अरे गाइस मैं कभी देखो, और उसकी टांगे टूट गई थी पिछली, और फिर बेचारी ऐसे ही वो मर गई थी। इसको ना मैंने यहीं पे बांध दिया, अभी ये बाद में भी खुल जाएगी, चाहे अंधेरा भी हो जाएगा, अभी चुग रही है। और भी हेलो, और ये धैर्य जा रहा है हरी घास को। और वो मेरी भैंस जो है वो पता नहीं शायद कौन सी होगी, अब तो ना वो थोड़ी बूढ़ी भी हो चुकी है, लेकिन जब ऐसी थी ना, जब छोटी थी ना, मतलब झूठी थी, तो काफ़ी अच्छी थी, जैसे देसी भैंस ही है। हमने ख़रीदी हुई ही है ये, नीचे से पंजाब हरियाणा से ही ख़रीदी थी। और दो बच्चियां हैं मेरी इधर, जो ये हमारा ये घर है ना इधर वाला, इसके नीचे जो लेंटर है ना, दो बच्चियां वहाँ पे हैं। तो चलिए उनको भी खोल लेती हूँ। और ये देखो, इधर से एक घास लेके आ रहा है, देखा आपने? ये देखिए हमारा जो पूरा घर है वो देखिए इतने एरिया में है, ये वहाँ तक देखिए, उधर काउ शेड तक, ये वहाँ तक है। तो चलिए उनको भी ले आती हूँ मैं, जो नीचे बांधी हुई है। यहाँ से आपको दिखेंगी, बताएंगी नहीं दिखेंगी, यहाँ से जाऊँगी मैं वहाँ। जो है ना, ये देखिए देखिए कैसे कुदकते हुए जा रही है, दौड़ के जा रही है अपनी मम्मी के पास, और ये भी दौड़ गई है ये देखिए। तो गाइस काउ शेड का काम हो चुका है मेरा कंप्लीट, और अंधेरा भी होने ही वाला है, 7 बज गए। और सार्थक जो है वो भी रो रहा है, उसको भूख लग रही है, और हल्की हल्की जो है बारिश लगनी शुरू हो गई है बूंदाबांदी। तो लगता है कि जैसे रात को ना बारिश हो जाएगी। ये देखिए अगर आपको दिख रहा होगा, मेरे हाथ पे बूंद गिरी है, एक कैमरा नहीं दिखा रहा है, फोकस नहीं कर रहा है, सिर पे भी नहीं दिखती है, नहीं तो सिर पे दिखती ना अगर। तो चलिए बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलूंगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।